हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, पॉलीनोमियल चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पॉलीनोमियल के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.1 को लेकर के, जिसमें कि कुछ ग्राफिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन है। हम ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन से हम किस तरीके से नंबर ऑफ जीरो को कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को आज हम समझने वाले हैं। और इस वीडियो को समझने के लिए, अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस लिंक से जाइए, फर्स्ट वीडियो को देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलीनोमियल के पीछे का वो क्लियर करके आइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो गाइस, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं 2.1 के बारे में, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज में आपको कुछ एक ग्राफ्स मेंशन किए गए हैं बुक के अंदर, और आपसे कह रहा है कि किसी एक पॉलीनोमियल का एक ग्राफ है। ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं वो किसी एक पॉलीनोमियल के लिए बनाए गए हैं, यानी कि एक पॉलीनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन फॉर्म होगी जो कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग शो की गई है। और इस ग्राफ से हमें उस पॉलीनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और पॉलीनोमियल के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो है पीएक्स। जो एक्सप्रेशन हमने यूज किया है वो है पीएक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जो कभी भी कार्टेशियन ग्राफ बनाया जाता है कार्टेशियन प्लेन पर, तो वहां पर दो एक्सिस होती है। जो ये हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस होती है, जो आपकी राइट हैंड की साइड पड़ती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, जो लेफ्ट हैंड की साइड पड़ती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, जिसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर ये जो मैं वर्टिकल लाइन की बात करता हूँ, तो ये अपर पार्ट जो होता है वो वाई होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो वाई डैश होता है। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, यानी कि ओरिजिन इज दैट पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। जरूरी नहीं है दो ही एक्सिस हो, दो एक्सिस से ज्यादा एक्सिस भी हो सकते हैं। मान लीजिए थर्ड एक्सिस है जो जेड है, जो इस तरीके से होकर के जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सिस होती है वो हमेशा एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है। अब मन में आ रहा होगा कि जब ये जेड वाली तो 90 डिग्री पर नहीं है, लेकिन बेटे यहाँ पर समझना, ये 2D प्लेन है, 3D स्ट्रक्चर होती है। 2D पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से हम मेंशन करते हैं, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना करके रखते हुए। लेकिन अगर मुझे जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना हो, तो जेड एक्सिस इसमें ना बाहर को निकल करके आएगी, या इनसाइड दी प्लेन जाएगी, या तो आउटवर्ड दी प्लेन होगी या इनसाइड दी प्लेन होगी। तो अगर मान लो इस तरीके से एक एक्सिस है जेड, जो कि यहाँ पर मैंने 2D पर इस तरीके से लाई करके भी दिखाई, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आएगी, और जब जेड एक्सिस बाहर की तरफ आएगी तो वो भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल मेजर करेगी। तो इसीलिए जब कभी भी कोई ग्राफ प्लॉटिंग की जाती है, तो वहां पर जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनाए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जहां पर मोर देन टू एक्सिस या केवल दो ही एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर पड़े हुए हो या लाई कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन ग्राफ्स की, कि इन ग्राफ्स में से जीरो कैसे निकाले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। पढ़ने का क्या तरीका है, जो इक्वेशन है वो वाई इक्वल्स टू पी एक्स है। आपको सबसे पहले ढूंढना है कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू पी एक्स, इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है एट द एक्स एक्सिस या ऑन द एक्स एक्सिस हमें चेक करना है। जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखोगे, तो आप ये चेक करिए कि जो लाइन है, जो ग्राफ है, जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ग्राफ ड्रॉ होते हुए आपको दिखाई दे रही है, ये कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। आपको केवल ये कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ग्राफ में अगर हम चेक करें, क्या एक्स एक्सिस पर कोई भी जगह पर इस लाइन ने इसको कट किया, नहीं किया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरो भी कितने रहने वाले हैं, जीरो रहने वाले हैं। यहां पर कोई भी नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। अब एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, केवल वन टाइम कट किया। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, वन आया। इसका मतलब जो इसके लिए जीरो आएंगे वो भी कितने आएंगे, वन आएंगे। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरो कितने होने वाले हैं, वन होने वाले हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक, दो और ये तीन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीन पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए हैं, तीन हो गए हैं। लाइन ने इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पर तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर चार में अगर हम देखें, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो है ना, केवल दो ही पॉइंट्स पर इतने इंटरसेक्ट किया है। तो मतलब इसके जीरो जो आने वाले हैं वो कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ जीरो टू, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री में सिमिलरली, फाइव में सिमिलरली हम चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो तीन चार। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है कि एक्स एक्सिस को चार पॉइंट्स पर इसने इंटरसेक्ट किया है, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितना रहेंगे, चार जीरोज आ जाएंगे, यानी कि इसके चार सॉल्यूशन हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर छह में एक दो तीन चार पांच टोटल नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास आएंगे फाइव। तो इसका मतलब इसके लिए पांच सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये पांच हाईएस्ट डिग्री वाला है, यानी कि इसके लिए जो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, जो भी वेरिएबल हो, उसकी पावर कितनी होगी? फाइव होगी, जिसके लिए पांच सॉल्यूशन होंगे। इसी वजह से इसने एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया? फाइव पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। अब एक छोटी सी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, देखिए जो ग्राफ है सारे के सारे को वाई इक्वल्स टू पी एक्स के लिए बनाया गया है। अगर चेंज हो जाए वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू पी वाई, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप चेक करेंगे कि ग्राफ ने वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसी एक्सिस पर आप ये चेक करने वाले हैं कि ग्राफ की लाइन ने उस एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो ये ग्राफ था वाई इक्वल टू पी एक्स के लिए, इसलिए हम चेक करेंगे बार बार एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है। अगर चेंज होता है पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू पी वाई पर, तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि वाई एक्सिस पर ग्राफ में लाइन ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है वाई एक्सिस। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 40 वाई एक्सिस, यानी कि वाई वेरिएबल पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरो आएंगे? एक जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पर इसने एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। सेकंड ग्राफ में वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? वन होंगे, 40 एक्स इक्वल्स टू पी वाई। सिमिलरली अगर मैं सिक्स वाले क्वेश्चन के लिए देखूं, तो वाई एक्सिस पर भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसके लिए वाई एक्सिस के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट कितने रहेंगे? वन आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। तो गाइस इसके आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें कि सारे ग्राफिकल क्वेश्चन ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन थे, और ग्राफ के बेसिस पर नंबर ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये हमने बहुत देख लिया, बहुत आसानी से हम इनको सीख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता रहूंगा आपसे इसी टाइप की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर के। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।